यूपी आई हूँ, यही गलती। मैं समोसा ले आता, बिस्किट लाया फिर से। यू कर क्या गलत कर रहा है? सही कह रहा है, ऐसे हो तुम्हारा दिमाग हो रहा खराब, तुम्हें अकेली नहीं है। कैसे करते तो प्यार करने वालों को अलग, कैसे नहीं करते तुम प्यार करने वालों को अलग करना हो तो मैं पूरी आ जिंदगी में भाई बोलने पड़ गया। अभी होते वाले उन्हें ऐसा कर दो कि एक दूसरे से नफरत हो जाओ, बोली मान्य हो जाए, दूसरे को एक दूसरे की शक्ल देखने का मन ना करे, नाम सुने तो गाली देने लग जाए दूसरे को, ऐसे बोल बोला हो गया। कली बकवास दे दिया अपना बेकार का क्या, मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। और बलविंद भूलो मत कि तुम कहाँ से आए हो, समझे? मेंटल असाइलम में पड़े हुए थे, जहाँ जहाँ दिमाग के मरीज रहते हैं ना वहाँ थे तुम। तो अपना मुंह कम चुका करो मेरे से, और मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत करना। मैं अच्छे से जानती हूँ मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, समझे? ये करने की कोशिश तो मैं कर रही थी, जानती हूँ। कोशिश तो कर रही तुम बहुत सालों से कर रही, लेकिन गलत कर रही ना, ना सही तरीके से कर रही, पर कर रही। बड़ी लड़ाई कराने के लिए बड़ा मुद्दा करना पड़ता है, ये छोटी मोटी लड़ाई से कुछ नहीं होने का, ऐसे ही चलता रहेगा बस। कितनी बड़ी लड़ाई करा रहे बलविंदर और मलिश का मिलकर करेंगे लक्ष्मी और ऋषि को एक दूसरे के खिलाफ, बनाएंगे पारो को अपना हथियार। जी हाँ, मलिश्का के कहने पे बलविंदर ने पारो को किडनैप तो कर लिया, लेकिन ऋषि और लक्ष्मी में फूट डालने में नाकामयाब रह गए। जी हाँ, दरअसल मलिश्का को लगा कि अगर वो पारो को किडनैप करती है तो ऋषि और लक्ष्मी एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, लड़ाई करेंगे, लेकिन मलिश्का का ये प्लान फ्लॉप हो गया है। ऐसे में मलिश्का अपना सारा गुस्सा बलविंदर पे निकालती है, तो वहीं बलविंदर भी मलिश्का पे खूब बरसता है। अब यहाँ बलविंदर के दिमाग में अचानक एक प्लान आता है, जहाँ वो मलिश्का को पारो का सहारा लेकर लक्ष्मी और ऋषि में दरार डालने का प्लान बनाता है। ये दोनों पारो से कितना प्यार करते हैं? और क्या करते हैं, कुछ ज्यादा करते हैं, ताकि दूसरे से भी ज्यादा करते हैं। बस मिलेगी बजे, यही तो बजे है, बड़े वाली वजह है। एक्शन, रणकेत है स्माइलिंग, मतलब कुछ तो मिला है उसको। कॉन्फिडेंटली जो देख रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ मिल गया है उसको, इस बार पक्का ही है।